जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आजकल जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो एक वबा फैली हुई है, एक बीमारी, एक वायरस आया हुआ है चाइना से, और उसने मतलब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं। और उसकी वजह से पूरा का पूरा मुल्क बंद है। पाकिस्तान देखें, इंडिया देखें, अमेरिका देखें, यूरोप, फ्रांस, पूरा का पूरा मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना वो मतलब अफेक्ट हो रहा है इससे। तो आपको पता ही है, हर जो मुल्क है वो अपने मतलब जितना वो स्टेबल है उसके अंदर रहते हुए अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो है वो हर कोई जो है वो उसमें निपट रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज की जो वीडियो है वो एक आप रिएक्शन भी समझे और एक हेड सॉन्ग भी समझे इंडियन आवाम के लिए, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी साहब, उनके लिए हेड सॉन्ग है ये जो है वो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कल के रोज, और इसको मैंने आज आपको चाह के मैं जरूर जो है वो पाकिस्तानी रिएक्शन शो करूँ। तो इंडिया ने अब एक स्टेप लिया 4 अप्रैल को, कि जो है वो पीएम मोदी ने ये राज के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो जो एक HCQ एक मतलब ड्रग है, एंटी मलेरिया ड्रग है, ये हम एक्सपोर्ट जो है ना इसकी इस पर बैन कर रहे हैं। दोस्तों ये एक अच्छा स्टेप था मतलब इंडियन आवाम की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि ठीक है उन्होंने इसको बैन कर दिया और इसकी एक्सपोर्ट पे ताकि बाहर ना जाए, और जितना भी जो है वो HCQ है या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो एंटी ड्रग मलेरिया जो है वो मतलब इंडिया में ही रहे। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ ये है क्या चीज़। HCQ जो है ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है, जो कि मतलब आप ये कहें कि जो है वो मलेरिया की दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है उसके वायरस को खत्म करने के लिए, ठीक है। और ये मतलब आपको पता है हम जो फांसी भी होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और ये आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि इंडिया जो है, इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस ड्रग का, और पूरी इंडिया में ये एक्सपोर्ट होती है बाहर, और जो है वो इससे अच्छे खासे रिसोर्सेज मुआवजा कमा रहे हैं इंडिया। लेकिन हैट्स ऑफ अगेन के इंडियन आवाम ने मतलब 4 अप्रैल को गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, ठीक है, और मतलब कि वो सिर्फ इसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए पाबंदी लगाई इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हम ये जो एंटी मलेरिया ड्रग है ये चूंकि कोरोना के लिए बड़ी इफेक्टिव इस्तेमाल हो रही है, तो हम जो अपने मरीजों को ठीक करेंगे उसके लिए पाबंदी लगा दी ताकि बाहर एक्सपोर्ट ना हो, और हम जो है ना वो अपने लोगों को ठीक करें सबसे पहले प्रायोरिटी। तो डेफिनेटली हर मुल्क की एक प्रायोरिटी यही होती है। लेकिन मतलब 3 से 4 दिन के बाद जो है ना वो फिर एक उससे भी अच्छी खबर थी सुनने को, कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि भाई आप जो है ना वो इस बैन को हटाएं, लिफ्ट करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ मतलब कि ठीक है इंडिया तो एक सेफ कंट्री होगा, लेकिन इससे इस स्टेप से इस मतलब HCQ के बैन करने से आप ये समझें कि पूरा वर्ल्ड जो है वो मतलब लुकमा अजमल बन सकता है, वो मतलब इसका शिकार हो सकता है इस वायरस का, क्योंकि आप बैन कर देंगे तो डेफिनेटली हर दूसरा मुल्क भी आपने जो है ना वो स्टेप करेगा। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है ना वो पीएम मोदी ने मानी, और फिर जो है वो रिवॉर्ड के तौर पे जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप था उसने पीएम मोदी को जो है वो आप एक ट्वीट में मतलब टैग किया और साथ लिखा कि जो मतलब आपने हमारी रिक्वेस्ट को जो है ना वो अप्रूव किया, उसको मद्देनजर रखा, और आपने इसकी जो बैन था इसको लिफ्ट किया और दोबारा इसकी एक्सपोर्ट शुरू हुई। और ट्रंप ने ये लिखा है कि मैंने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट किया कि 29 मिलियन डोज जो है, 29 मिलियन खुराक जो है वो HCQ की अमेरिका भेजी जाए, ताकि क्योंकि अमेरिका इस टाइम नंबर 1 पे है इफेक्टिव विक्टिम कंट्रीज में कोरोना से इफेक्ट हुआ हुआ है। तो ट्रंप ने लिखा है कि वही है इंडिया से। तो फ्रेंड्स ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, और ट्रंप ने उनके अवार्ड में शुक्रिया अदा करके ये भी कहा कि मोदी और दो दोस्तों के बनाए हुए रिलेशनशिप है, और इससे दो दोस्तों की जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ज़्यादा क्लोज होंगे, और इंडियन आवाम का भी शुक्रिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया जिन्होंने जो है ना वो इस मतलब कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। तो ये वीडियो आज की आपको बताने का मकसद भी यही था,
एक अच्छा स्टेप था और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जितना भी हो सके, क्योंकि मतलब अगर देखें कहीं कहीं तक ये अगर HCQ की तरफ जो है ना पहुंचे तो डेफिनेटली बहुत से इफेक्ट होगा कोरोना से। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये रिव्यू, और हमें फीडबैक दें, और जो खासतौर पर हमारे इंडियन दोस्त हैं वो लाजमी बताएं कि जो है आपको मतलब उनका ये कैसा स्टेप था जिनकी वजह से आज दोबारा जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है उनकी लाइफ जो है ना वो सेव हो चुकेगी हो सकेंगे इस ट्रक की वजह से। तो दोस्तों जाते हुए हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।